हेलो जेम नाइज वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट और ये आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से, से रीडिंग है और ये ज़्यादा रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती आप सब उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करें मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो भी आप उसमें मे इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं सो देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर के लिए सॉरी फॉर दिस एंड मेरे साथ टिल द एंड रहिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर चक्रा विजम और कल कार इंक्लूड करूँगी इन द एंड एंड आपके पार्टनर के दिल में क्या है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से भी जो कि वो कभी आपसे कहते नहीं हैं ठीक है थीके? ये मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से इंक्लूड्स करूँगी मैं ठीक है सो देखते हैं कि जयमायस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर यू और ये टाइमलेस मैसेज होगा आप इसको कभी भी देख सकते हैं किसी भी सिचुएशन में है ओके ओके, यो पार्टनर वो आपसे रिकनसाइल्ट करना चाहते हैं ओके okay. हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील करें ए रिजिटेरियस वो आपसे रीयूनाइट हुए हैं हो सकता है फ्रेंड गैदरिंग में और वो दोबारा से एक न्यू स्टार्ट क्योंकि यहाँ पे एक नया पैशन एक नया न्यू बिगनिंग हो रही है उनकी ज़िंदगी में आपके हवाले से रियूनियन के बाद उनके उनकी लाइफ में आपके लिए एक वो एक कुछ नया सोच रहे हैं दोबारा से एक नया पैशन सब कुछ नया नया सब है ठीक है वो सब कुछ नया नया सब फिर से फील कर रहे हैं आपके लिए रीयनियन हुआ है आप लोगों का तो so, यहाँ पे द um, फूल है वो दोबारा से अगेन री स्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को ठीक है दैट्स द फूल की एनर्जी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो दोबारा से एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ और वो आपको स्टॉक करते रहते हैं लेकिन वो आपके बारे में वो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं जो चीज़ें हिडन है आप जो उन्हें नहीं बताते हैं वो आपके बारे में वो जानना चाहते हैं ठीक है ठीके? लेकिन वो जान नहीं पाते ये उनके लिए एक चैलेंज है आपके बारे में जानना आपके बारे में सच जानना आपको स्टॉक करना आप किसी से आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो लेना ये सब कुछ उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है लेकिन वो एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन हुआ है आपका और एक नई शुरुआत हुई है नया पैशन नया बिगनिंग लेकिन उनके माइंड में जो है बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है जो कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है उनका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपकी तरफ से आपके हवाले से हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा जाना है आपके बारे में या या वो जान नहीं पाते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें कभी सोचते हैं कि वो ख़त्म कर दें रिलेशनशिप को लेकिन फिर वो एक नया पैशन के साथ उनके अंदर इग्नाइट हो जाता है आपके लिए तो वो हो सकता है ये रिलेशनशिप बहुत स्लो प्रोसेस के साथ चल रहा है इस रिलेशनशिप की जो जर्नी है बहुत स्लो चल रही है इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं वो आपके पास ट्रैवल करना चाहते हैं हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आप दोनों के दरमियान है तो यहाँ पर वो आपके पास ट्रैवल करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं वो अपने माइंड में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लगते हैं मुझे वो ख़त्म कर भी कर भी सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते सो so, कम्युनिकेशन हो सकती है उनकी तरफ से उनकी तरफ से कम्युनिकेशन हो सकती है, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा पता चला हो जिसकी वजह से अब वो एक ब्रेकअप कर लिया उन्होंने फिर से लेकिन और अपनी लाइफ में वो फ्री हो जाना चाहते हैं कि वो इस सिचुएशन से इस इस चीज़ से जो कि आप दोनों के दरमियान चलती रहती है उस चीज़ से वो लाइक अन, अन अ, की एनर्जी है बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है इसलिए वो इस चीज़ से निकलना चाहते हैं लेकिन आ, निकल नहीं पाते वो वो फिर भी आपको सोचने लग जाते हैं तो यहाँ पर या उनके माइंड में ये कि वो सब खत्म कर दिया उन्होंने लेकिन ऐसा नहीं है हो सकता है वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हो बात करना चाहते हों और हो सकता है कि इन फ्यूचर में आप दोनों की बात भी हो जाए नीयर फ्यूचर में कुछ दिनों में आप लोगों की बात हो जाए Hmm. तब देखते हैं कि ये चक्र विजडम ऑडिकल कार्ड क्या मैसेज देते हैं आपके पार्टनर के हवाले से hmm. वो बहुत ज्यादा हैं डिस्कवरी उन्होंने कुछ डिस्कवर किया है आपके बारे में कुछ डिस्कवर किया और बहुत ज्यादा इम्पेश उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो आप पे स्टक हो जाते हैं आपको स्टॉक करने लग जाते हैं तो ये चीज़ें उनके साथ रहती हैं उन्हें बहुत कुछ डिस्कवर अपने लिए भी करना है इम्पेश्स बहुत ज़्यादा दिखाते हैं वो जल्दबाजी में बहुत रहते हैं हो सकता है उनकी इम्मेचोरिटी हो सेल्फ़ वर्थ जैसे कि वो अपनी सेल्फ वर्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं लाइक वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और आपके बारे में जो भी डिस्कवर उनको हुआ है वो ऐसा है कि वो हो सकता है कि आपके लाइफ में किसी और की इन्वॉलमेंट उनको बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने आप को सेकेंड ऑप्शन की तरह नहीं देखते वो अपने सेल्फ अवर्ड को ज़्यादा अहमियत देते हैं वो चाहते हैं कि आप ही वो ही रहें सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आप उन इन्हें ही अहमियत दें ऐसा चाहते हैं वो ओके okay, सो so देखते हैं कि उनके हिडन मैसेजेस क्या हैं उनके दिल में क्या है जो वो कभी आपसे नहीं कहते हैं लेकिन उनके दिल में आपके लिए होता है वो तो वो क्या कहना चाहते हैं दिख लेते हैं सो मैनी थिंक रिमाइंड मी ऑफ यू उनको बहुत सी चीज़ें आपकी याद दिलाती हैं ऐसी या वो आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं इस टाइम पर जो कि और आपको याद कर रहे हैं वी नीड टू लेट ईच अदर गो वो ऐसा समझते हैं क्योंकि उनके माइंड में ऐसा है कि बहुत कुछ आप दोनों के दरमियान जो है वो ऐसा है जो कि डिस्कवर करना अभी है वो आपके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते और हो सकता है आप उन्हें बताते भी नहीं हैं इसलिए वो यही समझते हैं बेहतर समझ रहे हैं कि एक दूसरे को जाने दें ओके वन मोर मैसेज देखते हैं कि और कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके पार्टनर के हाथ में क्या है ये मैसेज है एक यू डोंट नो हाउ हा इट वाज टू लेट यू गो वो आपको एक तरीके से वो ये भी कहते हैं कि आप चले जाएं आपकी आप, उनकी ज़िंदगी से चले जाएं लेकिन लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है कि आपको दूर कर देना अपने आप से ये बहुत ज़्यादा उनके लिए हार्ड है ओके आई डोंट नो व्हाई दिस मैसेज केम यू एंड आई वर टू यंग हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा या तो ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर की को की तरफ इशारा कर रहा है कि कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर से डील कर रहा है सिचुएशन को या आप दोनों ही इमेच्योरटी से डील कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये यहाँ पे पैशन है बहुत ज़्यादा लव तो है अबाउंड बहुत ज़्यादा है आप दोनों का लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हिडन हैं जिनको वो डिस्कवर करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाती और आपकी तरफ से भी कुछ मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो उनकी तरफ से यही आता है सडन उनकी तरफ से इम्पेशनटली उनकी तरफ से ये मैसेज हो जाता है, है आपके पास के वी नीड टू गो वी नीड टू लेट ईच अदर गो यू गो आई गो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो उनकी लाइफ में वो करते हैं फिर फिर वो आपको बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं आपके पास आना भी चाहते हैं आपसे बात भी करना चाहते हैं तो ये आपकी एनर्जी है आपके पार्टनर की इस वक्त और ये अगर आपसे रेजनेट करें तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि टाइमलेस मैसेज कभी भी आप इसको देख सकते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग